गाइस ये है मस्जिद और मस्जिद का गेट। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ आज भी जुमे के दिन नमाज होती है और ये मदरसा है उस टाइम का। तो आइए चलते हैं, हम लेते हैं एंट्री और दिखाते हैं आप लोगों को सफदरजंग टॉम। यहाँ पे आप टिकट काउंटर ऑफलाइन ले सकते हैं अगर आप ऑनलाइन लेकर नहीं आते हैं तो। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज देख रहे होंगे चश्मे में, दिखाता हूँ चश्मा के पीछे का रीज़न क्या है, देख सकते हैं। इसलिए आज मैं चश्मे में हूँ और मैं आ जाया हूँ सफदरजंग। सफदरजंग नाम सुनकर ही आप लोगों को लग रहा होगा कि सफदरजंग कुछ तो होगा हिस्टोरिकल रिलेटेड। तो हाँ, मैं आया हूँ आज सफदरजंग में, सफदरजंग के मकबरा के पास, इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलते हैं, इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। और मैं अभी टाइमिंग हो रहा है 1:15 के आसपास हो रहा है और मैं निकला था 10 बजे, बट ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है आजकल दिल्ली में क्योंकि जनक सेतु पे काम चल रहा है, इस कारण ट्रैफिक थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है। तो आइए चलते हैं, इस जगह को अब एक्सप्लोर करते हैं। और आप हमारे पीछे देख रहे होंगे तो ये है सफदरजंग का मकबरा। चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या कैमरा अलाउड है, नहीं है, क्या है, जो भी होगा आगे पता चल ही जाएगा आप लोगों को। तो गाइस, जैसे आप सामने एंट्री करोगे तो आपको ये दिख जाएगा मकबरा। तो गाइस, ये एक तनहा मकबरा है जिसका इमेज रिफ्लेक्शन होता है इस पानी के अंदर, बट अभी तो रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले हम इंडेक्स पर लेते हैं कि क्या क्या है यहाँ पे घूमने के लिए सफदरजंग के मकबरा में। और सफदरजंग का जो मकबरा है ना गाइस, ये 1753 से 1754 के बीच में बना था। और ये मकबरा चार भाग की तरह है, जैसा कि ताजमहल और हुमायूं टॉम्ब उसी तरह है, इसके मकबरे के भी चारों ओर चार भाग है। तो गाइस, यहाँ पे है मेन गेट के बाद मौस मस्जिद है, मुख टॉम्ब है, मोती महल है, जंगली महल है, बादशाह पसंद है, वाटर चैनल है, चार भाग मुगल गार्डन है, पथवे है, टिकट काउंटर, ये सब है। ये मैप रहा। और ये यहाँ पे अच्छा ब्लाइंड के लिए, पहली बार मैंने कुछ देखा ये ब्लाइंड के लिए होता है, ब्लाइंड वालों के लिए, जो लोग ब्लाइंड होते हैं, डिसेबल्ड होते हैं, उनके लिए चीज़ होता है, वो लोग इसी चीज़ से पकड़ते हैं, तो उनके लिए यहाँ पहली बार मैं देखा हूँ दिल्ली के अंदर। और हिस्टोरिकल मोमेंट आप लोग को पता है कि वो भारतीय पुरातत्व विभाग एंड इंडियन आर्कोलॉजिकल सर्वे के अंदर आता है। तो दिल्ली नहीं, दिल्ली के आस पास और पूरे इंडिया में जितने भी हैं वो सब आर्कोलॉजिकल सर्वे के अंदर ही आता है देख रेख के लिए, तो इसका भी देख रेख आर्कोलॉजिकल सर्वे ही करती है। तो हम चल रहे हैं सबसे पहले सफदरजंग के मकबरे के पास और देख रहे हैं। काफ़ी शांत माहौल है यहाँ पर, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे आने के बाद। और इस मकबरे को देखने में और भी काफ़ी खूबसूरत है, इसको अगर देखिएगा तो सेम हुमायूं टॉम्ब की तरह देखने में आप लोगों को लगेगा। चश्मा पहनकर एक फ़ायदा है, बताऊँ क्या, मैं देखता किधर भी हूँ ऐसा आप लोगों को लगता हो कि मैं आपको देख रहा हूँ। चलो ठीक है, आगे हूँ मैं जस्ट सामने सफदरजंग के मकबरे के पास, मैं दिखाता हूँ सफदरजंग के मकबरे को। पे फाउंटेन बंद है गाइस, बट हमें लग रहा है कि इसमें इमेजेस हल्का हल्का दिखाई दे रहा, आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा होगा बट मुझे दिखाई दे रहा है इसका रिफ्लेक्शंस। ये है गाइस मकबरा, मेन टॉम्ब, और उसके बाद हम जाएंगे जंगली महल, मोती महल। ये है यहाँ पे बना हुआ, सब दरवाजे बंद हो गए हैं, बस डायरेक्ट सीढ़ियाँ जाती है सेम हुमायूं टॉम्ब की तरह। हुमायूं टॉम्ब को भी देखने के लिए आप लोग चढ़ेंगे, सबसे पहले आपको सीढ़ी चढ़ना होगा और यहाँ भी सीढ़ी चढ़ना है। तो जैसे ही आप लोगों को सेम हुमायूं टॉम्ब की तरह सीढ़ी दिख जाएगी जिससे कि आप नीचे या फिर ऊपर आ सकते हैं। तो गाइज, ये जगह मंडप है जहाँ पे सफदरजंग बैठा करते थे, उनका पसंदीदा जगह है। इस चलते चलते थक गया हूँ तो अब यहाँ पे मैं बाग में बैठ जाता हूँ, थोड़ा देर आराम कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आगे एक्सप्लोर करूँगा। तो गाइज, आप अगर आप सफदरजंग के मकबरे के उत्तरी ओर में देखोगे ना तो यहाँ पे जंगली महल है और यहाँ पे एक पाउंड बना हुआ है जिससे कि पूरे बागीचों में पानी इसी पाउंड से जाया करता था। और यहाँ पे जंगली महल इसलिए है ना कि अगर इस दीवारी के पीछे देखोगे तो पूरा जंगल घना भरा पड़ा है, इसलिए इसे इस साइड के एरिया को जंगली महल शायद कहा जाता होगा। और क्योंकि ये जो मकबरा है चारों ओर चारों दीवारी से घिरा हुआ है, काफ़ी ऊंची हाइट है, देख सकते हो आप लोग,
और अंदर से कुछ रास्ता होगा ऊपर जाने का, बट अभी तो फिलहाल ये सब बंद है। इस सब के बारे में उतनी कोई जानकारी किसी के पास ना होने के कारण किसी को पता नहीं कि ये क्या था। आप देख सकते हो कि यहाँ पे गेट है, किस उस साइड जाने का होगा। शायद अब फिलहाल ये बंद कर दिया गया है पूरी तरह से, पता नहीं इस गेट के बारे में क्या जानकारी है यहाँ पे। तो गाइस जब भी आप सफदरजंग का मकबरा होगे तो इसके साइड में ज़रूर होना। अगर आप चारों साइड जाओगे ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो आपको चारों कोना पे इस तरह का मोनूमेंट्स देखने को मिलेगा। और गुंबद के नीचे है और इसका रास्ता उधर से ही आता है आगे से चारों दीवारी पे जाने का, और शायद अंदर से भी रास्ता होगा, बट रास्ता तो बंद है, बता नहीं सकता आप लोगों को जाने का। ऊपर देखने का मज़ा ही कुछ और होगा, क्योंकि इसके पीछे ना जंगली महल है, इसलिए शायद इस दरवाज़ों को बंद रखा जाता है। और यहाँ पे फिर से रिपेयरिंग का काम हो रहा है, देख सकते हैं आप लोग। ऐसे में तो आपके माइंड में एक सवाल चल रहा हो कि सफदरजंग कौन थे। बताऊँगा, सब्र रखो, थोड़ा सा बताऊँगा आगे। फिर मैं सफदरजंग के मकबरे के मोती महल में आया हूँ। मोती महल में जो कि ऊपर जाऊँ तो ऊपर नाली बना हुआ है, जिससे कि वो टंकी का पानी वहाँ से नाली में होकर और इस साइड से, दोनों साइड से पानी होकर यहाँ पानी आता था मोती महल में, और मोती महल से फिर इस वाले एरिया के बागों में पानी जाया करता था। और अगर आप उस साइड जाओगे और उस साइड, दोनों साइड जाओगे, तो वहाँ भी आप लोगों को सेम उसी तरह का मिलेगा। और जहाँ पे जंगली महल है तो वहाँ पे भी इसी साइड से पानी गिरता था और जंगली महल के एरिया को कवर करता था। और गाइस ये ना मुगलों का लास्ट मकबरा है, इसके बाद कोई भी मुगलों का मकबरा कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इस मकबरे का निर्माण इनके बेटे ने सियाजुद्दौला ने करवाया, क्योंकि जो सफदरजंग थे ना वो मुगलों के प्रधानमंत्री थे, और एक टाइम ऐसा आया कि उन्हें प्रधानमंत्री के पास से मुगलों ने हटाया। फिर जब ये दबाव में वो आए, उस टेंशन में आए, तो उनकी मृत्यु एक दो साल में हो गई। 18वीं शताब्दी की मैं बात बता रहा हूँ, 1951 के आसपास ये वाक़या हुआ था। उसके बाद दो साल के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके बेटे सुजाउद्दौला जो थे, उन्होंने फिर से मुगल शासकों से, जो उस वक्त के राजा रहे होंगे, उनसे कहा कि कम से कम मुझे इतनी ज़मीन दे दीजिए कि मैं अपने पिता का मकबरा बना सकूं। तो फिर उन्होंने, मुगलों ने ज़मीन दी, तो फिर यहाँ पर सफदरजंग का मकबरा बनाया गया। और अगर आप कोई भी मुगल बादशाह का मकबरा देखेंगे तो सबसे छोटा मकबरा ये है, क्योंकि बहुत ही कम जगह पर ये बना हुआ है। बट और इसका जो कॉपी किया जाता है वो ताजमहल से उन्होंने कॉपी करके इस मकबरे का निर्माण करवाया था। सफदरजंग का मकबरा आखिरी मकबरा है, और ये अवध के राजा के साथ साथ मुगलों के प्रधानमंत्री भी हुआ करते थे। सफदरजंग के मकबरे में मस्जिद भी है, जिसका रास्ता बाहर से है, बट आप जब अंदर आएंगे तो मस्जिद का पिछला हिस्सा अभी आपको दिखा रहा हूँ। और आप ये पीछे से देखेंगे तो आप लोगों को जमा मस्जिद की याद आ रही होगी, वहाँ भी तीन गुंबद है और यहाँ भी, बट दोनों डिफरेंट है, दोनों की नक्काशी में डिफरेंट है और साइज़ में भी डिफरेंट है। अगर आप इस टाइम पर आओगे सफदरजंग के मकबरे को देखने के लिए, तो यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मरम्मत फिर से किया जा रहा है, क्योंकि जो चीज़ झरझर हालत में हो गई है उसका देख रेख किया जाता है आर्कोलॉजिकल सर्वे के तहत, और उसका मरम्मत चल रहा है। इस साइड देखोगे आप तो वहाँ भी मरम्मत हो रही है, और इस साइड देखोगे तो उस मकबरे के ऊपर भी घास वगैरह जम गए हैं, पेड़ वगैरह, तो उसको भी मरम्मत करके साफ़ किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे नाइट में ना लाइटिंग की जाती है, और लाइटिंग करने के बाद ये जो मकबरा है काफ़ी सुंदर दिखता है। तो गाइस ये था सफदरजंग टॉम्स का ब्लॉग। सो आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोग विजिट करना चाहते हैं तो ज़रूर यहाँ विजिट कर रहे हैं। टिकट प्राइस है 25 रुपीज़, जो कि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन भी पे कर सकते हैं, या ऑफलाइन भी आप परचेस कर सकते हैं। टाइमिंग सुबह 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।